हेलो फ्रेंड्स, हेलो वेज किचन में आपका स्वागत है। जब भी हम घर में खाने में कुछ बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। ऐसे ही आज हमने बनाई थी बाजरे की खिचड़ी, उसमें से थोड़ी सी खिचड़ी बच गई थी, तो इससे हम तैयार करने वाले हैं पनीर वेज मसाला खिचड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। पनीर वेज मसाला खिचड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल खिचड़ी। अगर आप इस खिचड़ी का वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। साथ ही मैंने ली है कुछ सब्जियाँ। तो ये मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर, आधी मीडियम साइज़ की बारीक कटी शिमला मिर्च और एक गाजर, इसको भी हमने बारीक कट कर लिया है। साथ ही मैंने लिया है 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर, बारीक कटी हुई अदरक 1 इंच, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। तो कढ़ाई मैंने लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दी है। इसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे जीरा, आधी चम्मच। जीरा चटक गया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च। इसको हम कुछ एक सेकेंड के लिए लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे हल्का गोल्डन कलर आने तक। तो देखिए अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे सब्जियाँ। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, गाजर और शिमला मिर्च। यह तीनों सब्जियाँ हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर हम अभी ऐड नहीं कर रहे, वह हम बाद में ऐड करेंगे। सब्जियों को हमें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हल्का क्रंच आने तक इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर, साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच से कम, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच। इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। हल्दी और नमक हमने कम इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने जब खिचड़ी बनाई थी उसमें भी हल्दी और नमक ऐड किया था, इसलिए अभी हमें यहाँ कम ही रखना है। तो देखिए अब इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और हमारी सब्जियाँ भी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे खिचड़ी। तो सारी खिचड़ी हम इसमें ऐड कर देंगे। यह भी थोड़ी सी हार्ड है, जैसे जैसे ये गर्म होएगी खिचड़ी वैसे वैसे ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी। ये देखिए एकदम अच्छे से ये मिक्स हो गई है और इसको 5 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखिए इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। वाओ फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे कद्दूकस किया हुआ पनीर। साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, हरे धनिया से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे नींबू, ये मैंने आधा नींबू का रस इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसको ऐड करें। नींबू का रस डालने से खिचड़ी बहुत ही चटपटी बनके तैयार होती है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हम सर्व कर रहे हैं एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, बाजरे की खिचड़ी को हम इस तरह से एक नया टेस्ट देके इसको रीयूज कर सकते हैं और ये सभी को खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। इसको हम गार्निश कर रहे हैं कद्दूकस किए हुए पनीर से। मेरे पास थोड़ा सा पनीर और भी अलग से रखा हुआ था, आप उसी में से भी थोड़ा सा पनीर बचा के रख सकते हैं। साथ ही हम इस पर डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारी गर्मा गर्म पनीर वेज मसाला खिचड़ी। इस खिचड़ी को बनाते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो इसमें नमक और दूसरा इसमें हल्दी, दोनों ही कम रखने हैं क्योंकि हमने खिचड़ी बनाते समय भी नमक और हल्दी का यूज़ किया था। हमारी और वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।